हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर अभिनेता आमिर खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक हैं, जिनकी फिल्में साल दो साल बाद आती हैं और उनकी फिल्में आते ही सुपर डुपर हिट हो जाया करती हैं। इनिशियली डेज से लेकर अब तक के शानदार करियर के दौरान आमिर खान ने बॉलीवुड की तमाम बड़ी हसीनाओं के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा हिंदुस्तानी, जो कि इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी, इस फिल्म की एक्ट्रेस रही करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिस हरकत का खुलासा एक किस्से के दौरान इस समय बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बताना चाहिए कि 1996 में आई आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टार फिल्म राजा हिंदुस्तानी अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और इस फिल्म की मेकिंग को लेकर एक जबरदस्त किस्सा भी रहा है और इस किस्से को लेकर इस समय खूब चर्चाएं भी की जा रही है। अब राजा हिंदुस्तानी की बात करें तो ये फिल्म इसलिए भी खास रही क्योंकि इसके गाने और कहानी को उस समय खूब पसंद किया गया था। साथ ही इस फिल्म की दीवानगी आज भी तरोताजा है। आज भी इस फिल्म के चाहने वाले बिल्कुल भी कम नहीं हुए क्योंकि फिल्म की कहानी और गाने लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टार फिल्म राजा हिंदुस्तानी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है और ये किस्सा फिल्म के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे से जुड़ा है। बताया जाता है कि इस गाने की शूटिंग के लिए आमिर खान ने पूरी की पूरी बोतल वोदका पी डाली थी और नशे में धुत होकर उन्होंने ये गाना शूट किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1996 आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म रिलीज के साथ ही जबरदस्त तरीके से रिस्पांस भी दिया था। आमिर खान और करिश्मा कपूर के साथ में ये पहली फिल्म थी जिसमें बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट रहे थे। वही एक गाना भी था जिस गाने को लोग आज भी पसंद करते हैं। इस गाने के बोल थे तेरे इश्क में नाचेंगे और इसी गाने की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। बताया जाता है कि इस गाने की शूटिंग से पहले आमिर खान ने पूरी रियलिटी लाने के लिए पूरी की पूरी बोतल वोदका पी ली थी। दरअसल उन्होंने इस गाने में नशे में दिखना था तो उन्होंने गाने को रियलिस्टिक बनाने के लिए खूब जमकर शराब पी ली थी। हालांकि बताया ये भी जाता है कि जब उन्होंने ये गाना देखा तो वो अपनी अदाकारी से खुश नहीं हुए थे। और अभी हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान फिल्म की को-स्टार अर्चना पूरन सिंह ने इसी गाने को लेकर बातचीत की थी। इस पर उनका कहना था कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि आमिर ने वाकई शराब पी थी, लेकिन शूटिंग के दौरान वो नशे में जरूर नजर आए थे। वैसे बात करें अगर राजा हिंदुस्तानी की तो ये फिल्म 15 नवंबर 1996 को आई थी और 1965 में आई शशि कपूर नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले से ये इंस्पायर्ड थी। शशि कपूर नंदा की फिल्म भी सुपर हिट रही थी और इस फिल्म से इंस्पायर्ड इस फिल्म को भी जमकर पसंद किया गया था। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस फिल्म का बजट उस जमाने के हिसाब से 5.5 करोड़ रुपये था, लेकिन अगर इस फिल्म की कलेक्शन की बात करें तो मौजूदा हाल में अगर फिल्म की कलेक्शन की तरफ डालेंगे तो इस फिल्म में आज के कलेक्शन के हिसाब से 360 करोड़ रुपये होता और फिल्म के डायरेक्टर सूरज प्रकाश थे। हालांकि फिल्म की मेकिंग को लेकर एक और भी किस्सा जुड़ा हुआ है जिसमें यह बताया जाता है कि फिल्म के एक किसिंग सीन के दौरान आमिर खान ने अपना सुध-बुध खो दिया था और इस फिल्म के इस सीन को शूट करने के लिए कई सारे रीटेक भी लिए थे जिसकी वजह से करिश्मा कपूर अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। ऐसे में इस फिल्म के इसी सीन की वजह से यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी जिसमें करिश्मा कपूर ने आमिर खान के साथ जबरदस्त तरीके से लिप लॉक दिया था।